Hi guys, welcome back again to my channel. I'm your host Kunal and welcome back to Man's Barrel. और आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा अपने बार से. इसको गलत वे में मत लेना, आई मीन टू से जॉर्डीज बार विस्की से आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा और डिटेल रिव्यू होगा, ये सब कुछ बताऊँगा आपको इस विस्की के बारे में. एंड ये विस्की जो है ये एंट्री लेवल की विस्की या बजट विस्की आप इसे कह सकते हैं. इन इंडिया जो बजट विस्की होती है वो काफ़ी ज़्यादा बूम पर आ जाती है. एंड ये विस्की 1-2 ईयर्स बैक ही रिसेंटली लॉन्च हुई है अभी इंडिया में. तो आज हम बातें करेंगे जॉर्डीज बार विस्की के बारे में. तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट. तो गाइज इस विस्की को मैन्युफैक्चर करा जाता है बाय बीएसबी ग्रुप, दैट इज बुटीक स्पिरिट ब्रांड्स. ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है बट इसकी जो डिस्टिलरी है ये लोकेटेड है पंजाब में. आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक बजट विस्की पर तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये उनमें से एक ऑप्शन है जो रिसेंटली आपको मार्केट में देखने को मिलता है. और अगर आप इस विस्की को कभी परचेज करते हैं तो ये आपको दिल्ली में अवेलेबल होती है ओनली ₹600. तो इसीलिए मैंने आपको बोला दैट इज़ आ बेसिकली अ बजट विस्की. और काफ़ी सारी बातें हैं इस विस्की के बारे में. ये विस्की इंस्पायर हुई है काउबॉय कल्चर से और अब हम करेंगे इस विस्की की अनबॉक्सिंग. तो जल्दी से करते हैं इस विस्की को अनबॉक्स. मैं करता हूं इसके बॉक्स को ओपन. गाइस आप देखें अगर इस बॉटल को तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है इस बॉटल का. एंड अगर आप इसके कवर को देखोगे तो ट्राई कलर में आपको ये बॉक्स मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. जब मैंने इस विस्की को डिसाइड करा कि मैं इस विस्की को रिव्यू करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था इसकी प्राइजिंग को लेकर. बिकॉज इसके बॉक्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये विस्की अबव 1000 रुपीज़ डेफिनेटली होने वाली है. बट जब मैंने इस विस्की का प्राइस देखा तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था. तो ये एक बजट विस्की है. एंड गाइज बीएसबी ग्रुप काफ़ी सारी लिकर जो है वो मैन्युफैक्चर करता है जैसे कि ग्लैडियस रम, ज़ियोस ब्रांडी एंड क्लिफ हैंगर वोडका. एंड ये फर्स्ट विस्की है जो बीएसबी ग्रुप मैन्युफैक्चर करती है. दिस इज़ द फर्स्ट विस्की जो बीएसबी ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करी है. और इसकी जो बॉटल है ये काफ़ी सिमिलर है ग्लैडियस रम से और ज़ियोस ब्रांडी से. अगर आप उसकी बॉटल्स को देखेंगे तो वो काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन लगता है जॉर्डीज बार से. तो अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग और मैं करता हूँ इस विस्की को ग्लास में पोर. करते हैं इसे ग्लास में पोर. और गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमें बहुत सारे विस्की के ऑप्शन मिलते हैं अगर हम वाइन एंड बियर शॉप पे जाएं. अगर आप कोई बजट विस्की खरीदना चाहते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं. बट ये विस्की मेरे लिए भी फर्स्ट ट्राई होगी तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको. मैं न्यू चीज़ें मुझे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है.
तो अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग और मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसी है। सबसे पहले अगर कलर की बात करूँ आपसे तो ये एम्बर कलर मैं इसे कहूँगा। और चलो अब करते हैं नोज। गाइज इसमें जो अल्कोहल पिंच है वो डेफिनेटली आपको फील होगा। मुझे पता लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है इसमें से। साथ ही फ्रूटीनेस एंड वुडनेस जो है वो मुझे नोज हो रही है। That is all I can smell. तो अब हम करते हैं इसे जल्दी से टेस्ट। तो आप टेस्टिंग के लिए रेडी हो तो चलो जल्दी से अब करते हैं हम इसे टेस्ट। Guys, definitely ये एक स्ट्रॉन्ग विस्की है। और साथ ही जो मुझे टेस्ट इसमें फील हो रहे हैं दैट इज फ्रूट्स एंड अ टच ऑफ पीट आपको डेफिनेटली टेस्ट होगा इसमें। बट मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहूँगा दिस विस्की इज नॉट फॉर बॉयज, दिस इज फॉर मेंस। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपको वो हो जाए जो एक विस्की पीने के बाद बंदा चाहता है होना, समझ रहे हो तो ये विस्की मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर ट्राई करें। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग विस्की बेसिकली। एंड इसमें जो आपको अल्कोहल परसेंटेज मिलता है वो मिलता है 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये है आज की वीडियो जॉर्डीज बार के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। जाते जाते यही बोलूँगा कि चैनल को सपोर्ट करो, जस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ मैंस बैरल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। मैं मिलूंगा जल्दी, मिलते हैं।